myself Ankit Sakhia. Welcome to the commerce. First of all, मैं आप सभी का कॉमर्स के फील्ड में स्वागत करता हूँ सर। आज हम कॉमर्स के फील्ड के एक सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कॉमर्स के अंदर आने वाले सब्जेक्ट के मैं आपको नाम बता दूँ। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के अंदर पहला आता है अकाउंट और स्टेट। ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो कैलकुलेशन के हैं, ओके। देन आफ्टर आता है थियोरिकल सब्जेक्ट, जो जिसके अंदर इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स जिसको बोला जाता है। तो ये दोनों रहे मेन थियरी के सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म करते हैं OC। उनके बाद आते हैं दो सब्जेक्ट जिसको लिटरेचर बोलते हैं, वो है इंग्लिश एंड गुजराती। एंड फाइनल और लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट आएगा वो है कंप्यूटर। तो ये टोटल 7 सब्जेक्ट को मिला के, इन 7 सब्जेक्ट को मिला के हमारा पूरा कॉमर्स बनता है। सर, आप लोगों ने जो फील्ड सिलेक्ट की है, ओके, फॉर योर फ्यूचर, आपके भविष्य के लिए जो आपने फील्ड सिलेक्ट की है, आपके स्टडी के लिए जो आपने फील्ड सिलेक्ट की है, उस फील्ड के अंदर उनमें से एक सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक्स, जो मैं आज आपको उनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले तो स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट के बारे में बताएं, तो सर इंट्रोडक्शन में क्या होगा, तो सबसे पहले स्टेटिस्टिक्स वो है क्या। इट इज अ वन टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन प्रोसेस। डेटा को कलेक्ट करने से लेके डेटा को यूटिलाइज करने तक जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी की सारी स्टेट में आती है सर। अब डेटा क्या है, तो डेटा मतलब एक इंफॉर्मेशन जो हमें हमारी कंपनी को चलाने के लिए चाहिए, ओके। तो अगर हम बात करें तो कैसे स्टेट के इंट्रोडक्शन में ये जो सब्जेक्ट है वो आपको इन फ्यूचर कौन सी फील्ड में या फिर कौन सी एक्टिविटी के लिए काम आएंगे, तो सबसे पहले स्टेट काम आएगा कंपनी के एनालिसिस में। इनके कौन सी एक्टिविटी के अंदर, कंपनी एनालिसिस। फ्यूचर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर वर्क करते हो एज अ अकाउंटेंट, एज अ ऑडिटर, एज अ एम्प्लॉय, या फिर किसी अच्छी पोस्ट पे, मैनेजर के पोस्ट पे या फिर CEO के तौर पे, तो आपको ये कंपनी के जो एनालिसिस करने की बात आती है, उनका जो सर्वे करना रहता है, उसके लिए आपको स्टेट यूजफुल होता है सर। उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ डेटा, हमारी कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, किसी दूसरी कंपनी का ग्रोथ कितना है, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेटा। वो डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें स्टेट यूजफुल रहता है सर। कंपेरिजन ऑफ कंपनी पोजिशन, हमने ये जो डेटा कलेक्ट किए हैं उस डेटा के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं सर, और उसी डिसीजन के बेस पे हम मोर देन वन कंपनीज की क्या करवाते हैं, कंपेरिजन, कि कौन सी कंपनी बेटर है और इन फ्यूचर किस कंपनी का ग्रोथ ज्यादा रहेगा। उसके बाद रहेगा प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। सर, हर एक कंपनी का, हर एक हाउस का, हर एक घर का भी बजट बनता है सर। अगर आपके घर की बात करें तो आपके घर में भी पूरे साल में कितना खर्चा होता है उसका डिसीजन लिया जाता है बाय पेरेंट्स, मतलब फादर के तौर फादर लेके डिसीजन, या फिर आपके कोई एल्डर्स, फादर के भी बड़े भाई है या फिर उनके आपके दादा है, जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो भी क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। बजट मतलब क्या, तो कि एक साल के अंदर हमारा इनकम और लॉस, मतलब हमारा खर्चा, इनकम है एक्सपेंडिचर कितना रहेगा, उसको हम बजट बोलते हैं सर, और वो भी फ्यूचर के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर, अभी हुआ नहीं है, आने वाले ईयर के लिए कौन से खर्चे कम हमारे घर में या फिर कंपनी के अंदर या फिर देश में आने वाले हैं, और वहाँ कहाँ कहाँ से हमारे इनकम के सोर्सेज है, वो सारा हमें स्टेटिस्टिक्स के बेस पे डेटा मिल जाता है सर। उसके बाद दिया है सर फॉर मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, हर एक देश का ग्रोथ कितना है, हर एक देश का डेवलपमेंट कितना है, कौन सी कंट्री कितना ग्रोथ करती है, हर एक कौन सी कंट्री कितना डेवलपमेंट कर रही है, तो उनके जो डेटा कलेक्शन की प्रोसेस है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है, वो हम यहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं सर, स्टेटिस्टिक्स की मदद से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में एक सेंटेंस के अंदर स्टेटिस्टिक्स का यूज बताए, एक ही सेंटेंस में मैं आपको कंपनी के अंदर या फिर जनरल लाइफ में उसका यूज कैसे होता है, तो वो बताने के लिए एक सेंटेंस बोलूंगा, एवरी कंपनी यूज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग ऑफ देयर बिजनेस। हर एक कंपनी के अंदर
डिसीजन लेने पड़ते हैं सर, फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर ग्रोथ। और उनके इन सभी एक्टिविटीज के लिए हम जो डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन किसके बेस पे मैटर करता है, तो वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब स्टेट की मदद से आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, वो डेटा आप यूज कर सकते हो और उस डेटा का आप मैनेजमेंट करोगे। क्या करोगे? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करना मतलब क्या? तो अच्छी तरह से उसका यूज करना कंपनी के ग्रोथ के लिए, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमारे स्टेट के यूजेस है। ये तो सिर्फ नॉर्मल है, बहुत सारे एक्स्ट्रा यूजेस भी है, लेकिन ये हमारी लाइफ में जनरली स्टेट के यूज इतने वे में हम नॉर्मली सभी जगह पे करते हैं। अभी हम बात करेंगे स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट के अंदर स्टैंडर्ड 11th के अंदर हमें कितने चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। हम सिर्फ उनके नेम के बारे में आज इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं कि कौन से चैप्टर आपको पूरे ईयर के दौरान स्टडी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सीरियल नंबर के साथ चैप्टर्स दिए लिखे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा, जो हमने अभी हम यहाँ पे बात की कि हर एक कंपनी के ग्रोथ के लिए डेटा जरूरी है। तो वो डेटा हम कहाँ से कलेक्ट करने वाले हैं सर? स्टेटिस्टिक्स की मदद से, मार्केट से कलेक्ट करेंगे। उसके लिए स्टेट की आपको नॉलेज या फिर इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है सर। उसके बाद आता है सेकंड चैप्टर, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सर मार्केट से हमने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करें कि जिसकी वजह से वो लोग उस डेटा को लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, तो वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। वो भी हमें स्टेटिस्टिक्स सिखाता है सर। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या? अभी आप स्टैंडर्ड 10th के अंदर ऑलरेडी पढ़ के आए हो मीन मीडियन मोड। तो ये जो मीन मीडियन मोड है वो सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जाना जाता है सर। मतलब कि आपकी कंपनी के अंदर एवरेज कितनी आती है, मतलब मीन कितना है, हाईएस्ट पीक पॉइंट क्या कौन सा है, मतलब मोड कौन सा है, ओके। तो ये सिर्फ उसके सेंट्रल टेंडेंसी है। मेजर ऑफ डिस्पर्शंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस और वो सब यहाँ पे आएंगे। देन आफ्टर स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, काल क्रिएशन, ओके। तो ये काल क्रिएशन ने अपनी लाइफ में जितने भी स्टेटिस्टिक्स के अंदर नए नए इन्वेंशंस किए थे, वो सब हमें यहाँ पे स्क्यूनेस के हिसाब से स्टडी करने हैं सर। मतलब हमारा जो डेटा है वो कितना पॉजिटिवली है और नेगेटिव है, कितना सही है कितना गलत है, उसके लिए हमें स्क्यूनेस यूज करना पड़ता है सर। देन आफ्टर आता है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। परम्यूटेशन क्या है? तो सर एक एक्टिविटी है, मतलब कि 500 बंदे आपको दिए हुए, मतलब 500 स्टूडेंट दिए हुए, तो उनको एक ही लाइन में बिठाना है, या फिर 5 स्टूडेंट को इस तरीके से बिठाना है, तो उनका जो कैलकुलेशन है कि हमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको सही तरीके से किस तरीके से आप उसका यूज़ कर सके, कैसे उसका यूज़ करना है, कैसे उनको बिठाना है, लोगों को कौन सी वे में अरेंज करना है सर, वो भी हमें कौन सिखाता है सर? परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन प्रोसेस। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उन चीज़ों में से कौन सी चीज़ कैसे सिलेक्ट करना है वो सर हमें कहाँ से पता चलता है? कॉम्बिनेशन में। और उनके कितनी पॉसिबिलिटीज है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे चॉक्स है, ओके, मेरे पास यहाँ पे टोटल 4 कलर के चॉक अवेलेबल है, ओके। तो उन चारों चॉक में से, ओके, अगर मैं कोई चॉक सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने वाइट सिलेक्ट किया, तो ये जो सिलेक्शन की प्रोसेस है, चार में से एक ही सिलेक्ट हुआ, वो हमें कहाँ से पता चलेगा? कॉम्बिनेशन में से। इसके बाद दिया है सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो आपको पास्कल के टेबल के ऊपर से डिसीजन लेना पड़ता है सर कि वो डेटा कहाँ से किस तरीके से यूज़ करें। वो पास्कल का जो टेबल है वो आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी करके आए हो स्टैंडर्ड 10th के अंदर। उसके बाद दिया है सर सैम्पलिंग मेथड। सर मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक ही कंपनी में बनती है, एक ही कंपनी में बहुत सारी चीज़ें बनती है, ओके। जैसे कि अमूल की बात करें तो अमूल के अंदर मिल्क का भी प्रोडक्शन होता है, चीज़ भी बनता है, बटर भी बनता है, घी भी बनता है, ओके। और उनकी बहुत सारी दूसरी वेराइटीज़ भी है। तो ये जो चीज़ें हैं उनका अगर हमें सैंपल लेना है सर, क्या लेना है? सैंपल, जिसकी वजह से हम उनका सर्वे कर सके वो कितना सही है कितना गलत है। उनका जो सैम्पलिंग की जो मैथड है वो हमें स्टेटिस्टिक्स सिखाता है सर। देन आफ्टर दिया है फंक्शन, ओके। नॉर्मली जनरली यूज़ के लिए ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, सिर्फ थियरी यहाँ पे हमें दी गई है, ये चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के अंदर से। उसके बाद आते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी बोलते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने देख लिया,
ओके अब हमने हमें यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड के अंदर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टडी करना है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, तो कि वो चीज़ डबल होती जाती है। फॉर एग्जांपल में वन पहला हमारा सैंपल है वो वन है, तो दूसरा हमारा जो एलिमेंट्स मतलब सैंपल रहेगा वो टू रहेगा, उसके बाद तुरंत ही तीसरा जो एलिमेंट्स रहेगा वो दो का डबल हो जाएगा मतलब चार। ओके देन आफ्टर फोर्थ नंबर का जो होगा वो चार का डबल आठ हो जाएगा, मतलब ये जो हमारे एलिमेंट्स है वो डबल होते जाएंगे, हम उसको क्या बोलते हैं सर, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हमारे टोटल 9 चैप्टर थे जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं सर आपको 11 स्टैंडर्ड के अंदर स्टेटिक्स 6 के अंदर कितनी एग्जाम्स देनी है सर। तो सबसे पहले एग्जाम के बारे में बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों को टोटल साल में मेन 3 एग्जाम देनी है सर, जो आप लोगों की वीकली टेस्ट आती है या फिर क्वार्टरली जो लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं सर, ओके 25 या फिर 30 मार्क्स की उसकी बात हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो मेन एग्जाम्स है उसमें जो होती पहली आती है फर्स्ट टर्म। ये जो फर्स्ट टर्म की जो एग्जाम आएगी बच्चों आपकी वो आपकी रहेगी 50 मार्क्स की, पहली एग्जाम रहेगी स्टेट में 50 मार्क्स की रहेगी और उसमें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ एज पर गवर्नमेंट सिलेबस आपको 5 चैप्टर कंडक्ट करने होते हैं। कोई कोई स्कूल उसके अंदर 1-4 भी लेती है, अदरवाइज कोई स्कूल 1-5 लेती है। तो याद रखना यहाँ पे मैं आपको चैप्टर लिख देता हूँ 1-4 और 5, 5 या फिर 4 दोनों में से 1-4 कंफर्म है सर, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम स्कूल्स के अंदर ज़्यादा रहता है टीचर्स के पास तो वो लोग 5th नंबर का चैप्टर भी ले लेंगे और वो आपका पेपर रहेगा, पहली एग्जाम का पेपर आएगा 50 मार्क्स। उसके बाद सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म का भी आपका पेपर आता है सर 50 मार्क्स का पेपर आता है और यहाँ पे जो सिलेबस है वो फर्स्ट टर्म का सिलेबस तो पूछा ही जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे अगर 5th चैप्टर आ गया है तो वो भी आ जाएगा और अगर नहीं आया तो 5, 6, 7 और 8 मतलब फर्स्ट टर्म उसका मतलब है 1-4 और वहां से लेके आपका सेकंड टर्म का जो सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 5-8 कितने आएंगे 5-8। मतलब आपको पहले टर्म का और दूसरे टर्म का सिलेबस उसमें से ज़्यादातर यहाँ से आएगा, यहाँ से सिर्फ 35% ही पूछा जाएगा और रिमेनिंग 65% का जो पोर्शन है वो इसमें से आएगा और ये पेपर भी कितने का रहने वाला है 50 मार्क्स। 35% ए 1-4 चैप्टर में से आएगा और 65% 5-8 चैप्टर में से आएगा और फाइनल एग्जाम के अंदर फुल सिलेबस होगा, मतलब चैप्टर 1-9 और ये आपकी फाइनल एग्जाम रहेगी 80 मार्क्स। कितने की रहेगी सिर्फ 80 मार्क्स की एग्जाम रहेगी फाइनल एग्जाम और पहली आएगी 50, 50 और 80। यहाँ पे प्लस 20 मार्क्स का आपका क्या रहेगा इंटरनल, 20 मार्क्स क्या रहने वाला है इंटरनल रहने वाला है, मतलब आपके अगर टोटल देखें तो 50 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 20 टोटल एक साल में आपको 200 मार्क्स की एग्जाम देनी है और उसको कन्वर्ट करके वो लोग किस में देंगे 100 में से। आपको फाइनल आपका जो रिजल्ट बनेगा वो कितने मार्क्स में से बनता है सर 100 मार्क्स में से, लेकिन आपको 50, 50, 80 प्लस 20 मतलब टोटल मिला के आपके मार्क्स कितने होने वाले हैं सर 200 और उसके आधा किए जाएंगे, मतलब आधा मतलब डिवाइड करके आपको 100 में से कैलकुलेशन की जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इन सभी एग्जाम का टोटल मिला के 200 में से अगर 180 मतलब 180 लेके आए तो आपके फाइनल एग्जाम का स्कोर 90 गिना जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर दिया जाएगा सभी एग्जाम का टोटल। मतलब सिर्फ फाइनल एग्जाम में ही प्रिपरेशन करनी है ऐसा नहीं है, आपको फर्स्ट और सेकंड एग्जाम में भी उतना ही फोकस करना है, उतना ही प्रिपरेशन में ध्यान देना है जितने आपको फाइनल एग्जाम में देना है सर।
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फाइनल एग्जाम का स्कोर गिना जाता नहीं है, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम के स्कोर को भी वहाँ पे फाइनल एग्जाम में क्या किया जाएगा, डिवाइड बाय 2 किया जाएगा, दैट्स व्हाई। अब हम बात करते हैं सर स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा। तो सर हमारे स्टेट के पेपर में टोटल 6 सेक्शन आते हैं, कितने सेक्शन आएंगे, 6 सेक्शन। उसमें से सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन ए जो एमसीक्यू के लिए दिया जाता है, सेक्शन बी वन लाइन के लिए क्वेश्चन आता है, जो वन लाइन में क्वेश्चन आंसर आता है सर वहाँ पे आप लोगों को वेरी शॉर्ट सम्स भी आ सकते हैं या फिर थियरी भी पूछी जा सकती है। सेक्शन सी ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स रहते हैं सर, 2 मार्क्स रहते हैं और वो शॉर्ट सम्स और क्वेश्चन आंसर के लिए दिया जाता है, इसमें हमें थियरी भी पूछी जाती है ना। सेक्शन डी हमारा फोर्थ सेक्शन, उसके अंदर 3 मार्क्स के सम्स आते हैं सर, ज़्यादातर क्वेश्चंस उसके सम रहेंगे और हर एक क्वेश्चन के सेक्शन डी में कितना वेटेज है, 3 मार्क्स। चौथा पांचवा सेक्शन हमारा आता है सेक्शन ई और उसके अंदर हमें 4 मार्क्स के सम पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के सम आएंगे सर, 4 मार्क्स। नाउ और लास्ट हमारा जो सेक्शन है कौन सा सेक्शन, लास्ट एफ, वो हमें 5 मार्क्स के सम्स पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के सम आएंगे, 5। और हमारे यहाँ पे 5 मार्क्स के ज़्यादातर क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आएंगे तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना सर सेक्शन एफ के, वो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, इन 3 में से आते हैं। फिर से एक बार 5 मार्क्स के क्वेश्चंस और सम्स कौन से चैप्टर में से आते हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। फिर वो कोई भी एग्जाम हो, भले ही वो फर्स्ट टर्म की हो, चाहे सेकंड टर्म की हो, चाहे फाइनल की, ये 3 चैप्टर में से ही ज़्यादातर एफ सेक्शन के हमें सम पूछे जाते हैं। ये था कॉमर्स के अंदर स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें इस साल के अंदर स्टडी करना है। और सेकंड थिंग, ये जो स्टेट है इन फ्यूचर आपको कहाँ पे यूज़ होने वाला है उसके बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। थैंक यू।